तुम्हें पता है सुनीति, तुम्हारा मैसेज आज दोबारा सारे न्यूज़पेपर्स में छपा है और रेडियो पर भी आने वाला है और टीवी के हर चैनल पर भी दिखाया जाएगा ताकि किसी भी वजह से अभय तुम्हारे मैसेज को मिस ना कर सके। रवि, क्या इस मैसेज के साथ हम और चार वर्ड्स ऐड कर सकते हैं? कौन से चार वर्ड्स? हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे, आज अभय का बर्थडे है? और तुम हमें अब बता रही हो? इसलिए तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। दीदी मिठाई लेने गई है और मैं चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल के हर एक पेशेंट को अपने हाथों से अभय के जन्मदिन की मिठाई दूँ, आशीर्वाद लूँ कि अभय जल्दी से लौट आए। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात सोची सुनीति, लेकिन क्या डॉक्टर तुम्हें इस बिस्तर से उठने की इजाजत देंगे? अगर नहीं देंगे तो मुझे व्हीलचेयर में बिठा के ले जाओ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक पेशेंट को अपने हाथों से मिठाई दूँ। और हम भी चलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू अभय गाते हुए। अभय होता तो हम केक जरूर काटते और सबसे पहला पीस वो तुम्हें खिलाता। सुनीति एक बात बताओ, अभय के जन्मदिन की मिठाई का सबसे पहला टुकड़ा तुम किसे खिलाओगी? सबसे पहला टुकड़ा अभय को। अभय को? अभय को? अभय को। दीदी बस आती होंगी। एक संदेश। सुनीति तुम्हारा मैसेज वॉल्यूम करो। मेरा बारिश में भीग कर भुट्टा खाने को जी चाह रहा है। आई लव यू। संदेश एक बार फिर सुनिए। मेरा बारिश में भीग कर भुट्टा खाने को जी चाह रहा है। आई लव यू। कितना अजीब मैसेज था। अजीब? बिल्कुल नहीं डॉक्टर, बारिश में भीग कर भुट्टा खाने का जी कर रहा है। कितना खूबसूरत ख्याल है। अच्छा, लगता है आप भी बहुत रोमांटिक आदमी हैं। तब तो आपको मैसेज का एंड भी पसंद आया होगा। मैसेज का एंड? हाँ, वो लिखा था ना, आई लव यू। आई लव यू? क्या सोचने लगे? पता नहीं क्यों डॉक्टर, पर इन तीन शब्दों के साथ मुझे एक लाल गुलाब नजर आ रहा है। गुड, वेरी गुड। और क्या क्या नजर आ रहा है? कोई फिगर, कोई शक्ल, कोई तस्वीर या कुछ भी? नो डॉक्टर, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ ब्लैंक, एंडलेस ब्लैंक।